बुराड़ी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में हम लोग आए हैं यहाँ ऑटो वालों के और दूसरे कमर्शियल व्हीकल कई सारे काम होते हैं। यहाँ पे लोगों से बात की तो लोगों की शिकायत है कि अगर दलाल के जरिए आते हैं तो काम जल्दी होते हैं और नहीं तो उनके काम कई कई महीनों तक लटकते रहते हैं। इसमें दो चीज़ें करने की ज़रूरत है, एक तो जो जो कर्मचारी बेईमानी में शामिल है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और दूसरा जितने भी सिस्टमिक चेंजेस हैं इतनी लंबी लंबी लाइनें यहाँ लगने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे जैसे फिटनेस है, फिटनेस हम डिसेंट्रलाइज कर देंगे, अभी पूरी दिल्ली के सारे ऑटो वालों का फिटनेस यहीं बुराड़ी में होता है तो ये एक तरह से भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया। अब हम इसको डिसेंट्रलाइज कर देंगे, प्राइवेट पार्टीज इन्वॉल्व हो जाएंगी तो आपको जरूरत ही नहीं है यहाँ पे फिटनेस के लिए आने की। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, मैंने अभी इन लोगों को ये बोला है कि जिस काम के लिए यहाँ पे लोग आते हैं वो सारे कामों की लिस्ट दें और उसके बाद इसको कम्प्लीटली आपके साथ है। यहाँ पर क्या किसी पर शिकायतें जो मिली है उसमें ये भी कहा गया कि इस एमएलओ पर आरोप लगाए गए, काम नहीं होने देते, दलालों के जरिए यहाँ पे काम होते, उन आरोपों में स्पेसिफिक केसेस को देखेंगे, स्पेसिफिक केसेस में अगर गड़बड़ मिलती है तो अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। कहा ये भी जा रहा था कि जानकारी पहले दी जाती है दौरे की तो इस वजह से दलाल आज हट चुके हैं यहाँ से, ऐसा कुछ पाया आपने? जनता से तो मिल सकते हैं, जनता तो थी, जनता से मिले, जनता को कोई नहीं हटा सकता।